17 साल के एक लड़के को एक भाई साहब काम के लिए मुंबई लेके आते हैं। वो लड़का मुंबई के बैंड्रा स्टेशन पर ये भाई साहब से कहीं पर अलग हो जाता है। वो उनको बहुत ढूंढता है लेकिन वो नहीं मिलते। उसके पास घर पर वापस जाने के भी पैसे नहीं होते। उसको हिंदी भी नहीं आती। मुंबई में उसे कोई नहीं जानता। वो क्या करेगा, कहाँ जाएगा, किससे मिलेगा, कुछ नहीं पता है। आगे चल के वो लड़का करोड़ों की कंपनी का मालिक बनता है। कैसे, आइए जानते हैं। मैं हूं जसमीन पटेल, शुरू करते हैं आज की बात। कहानी है प्रेम गणपति की, जिनका जन्म नगलपुरम तमिलनाडु में हुआ। उनके पिताजी एक फार्मर थे, तो घर की इनकम कुछ खास नहीं थी, ठीक ठाक सी थी। उनके आसपास ये माहौल था कि 8वीं या तो फिर 10वीं आते आते बच्चे काम धंधे पर लग जाते हैं, किसी शॉप में, रेस्टोरेंट में, कहीं पर भी जॉब पर लग जाते हैं। तो प्रेम भी एक जगह पर कॉफ़ी शॉप में जॉब पर लग गया। उसके बाद उसने एक दो जॉब्स चेंज भी की। अब जहां पर वो काम करता था वहां पर उसकी मुलाकात हुई एक भाई से जो मुंबई से आए थे। प्रेम आगे बढ़ने के लिए मुंबई जाना चाहता था, तो ये भाई साहब उसको अपने साथ ले गए मुंबई। उस वक्त प्रेम की एज थी 17 साल। प्रेम जाते जाते ये सोच रहा था कि मैं मुंबई जाकर ये करूंगा, वो करूंगा, बहुत खुश था बच्चा। मुंबई पहुंचते ही हालात ने बहुत ही बड़ा झटका दे दिया। मुंबई के बैंड्रा स्टेशन पर प्रेम उस भाई साहब से अलग हो गया जो उसको लेके आए थे। उसको ठीक से हिंदी भी नहीं आती थी। बहुत डर गया वो, भीड़ भाड़ देख के, वो शहर की रफ्तार देख के। उसने स्टेशन पर सबसे पूछा, ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कहीं पर मिले नहीं। पैसे भी नहीं थे कि घर पे वापस आ जाए। उसको मुंबई में कोई जानता भी नहीं था। क्या सोच कर आए थे और क्या हो गया था। हम सबकी लाइफ में भी ऐसा होता है ना कि हम कुछ प्लान करते हैं कि मैं ये करूँगा, ऐसे करूँगा, फिर वैसे हो जाएगा, लेकिन जैसा हमने सोचा है वैसा ही हो ये ज़रूरी नहीं है। ऐसे टाइम पर हमारे पास दो चॉइस होती है मेनली, क्या हो गया, कैसे हो गया, ये करके रोते रहे, और दूसरा ऑप्शन, तो क्या हो गया, मैं तो नहीं रुकूंगा, अरे ऐसे नहीं तो वैसे, लेकिन मैं नहीं रुकूंगा। इन दोनों में से ज़्यादातर लोग क्या चूज करते हैं, पहले वाला ऑप्शन। यस, एनीवे आगे बढ़ते हैं प्रेम गणपति की कहानी पर। स्टेशन पर प्रेम की एक तमिल भाई साहब से मुलाकात हुई जो तमिल बोलते थे। उसने मदद मांगी कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, मुझे ठीक से हिंदी नहीं आती है, मैं किसी को जानता नहीं हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो वो भला आदमी प्रेम को एक मंदिर के पास लेके गया। उसने तो पहले उसको शांत किया, हिम्मत दी कि कहा चिंता मत करो, मैं तुम्हारा रिटर्न टिकट करवा देता हूँ, तुम घर पहुँच जाओगे, सब ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो। पहले तो प्रेम को ये सुन के बड़ा अच्छा लगा कि थैंक गॉड मैं एटलीस्ट घर पे तो पहुंच जाऊंगा। लेकिन फिर उसको एक सवाल हुआ, इसमें खुश होने वाली कौन सी बात है, मैं घर से ही आया हूं, किस लिए आया हूं, वापिस जाने के लिए। हाँ, जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ, लेकिन तो क्या हो गया, जो बंदा मुझे यहां पर लेके आया था सिर्फ वही मुझे काम दिला सकता है, ऐसा किसने कहा है, वो होगा तभी मैं आगे बढ़ूंगा, ऐसा किसने कहा है, उसके लिए थोड़ी आया हूं मैं मुंबई, मैं तो मेरे लिए आया हूं, मेरे सपनों के लिए आया हूं, तो उसके होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है। हाँ, थोड़ा सा फर्क पड़ता है कि काम ढूंढने में थोड़ी सी तकलीफ होगी शुरू शुरू में, लेकिन तो क्या हो गया, देख लेंगे, कर लेंगे, रास्ते में छोटा सा खड्डा आ जाता है तो हम पीछे नहीं मुड़ जाते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। उसने इस भाई साहब से कहा कि थैंक यू, आपने मदद करने की कोशिश की, बट मैं यहीं पर रहूंगा, काम करूंगा, धन्यवाद। उसने आसपास देखा, सोचा कि मैं अब यहाँ पर काम कैसे ढूंढ सकता हूँ, मुझे काम कैसे मिल सकता है, रेस्टोरेंट, शॉप, सब जगह पर जाके उसने पूछना शुरू कर दिया कि क्या मैं आपके यहाँ पर काम कर सकता हूँ, क्या मुझे कोई काम मिलेगा। पहले तो सामने से ये जॉब मिलता था, नहीं मिलेगा ना, आगे जाओ ये वो, लेकिन लास्ट में एक जॉब मिला। हाँ, एक बेकरी शॉप में बर्तन धोने का काम मिला। वैसे प्रेम के एक्सपीरियंस, टैलेंट और नॉलेज के हिसाब से तो ये काम उसके लिए ठीक नहीं था, लेकिन अगेन जैसा आप सोचो वैसा ही हो ये ज़रूरी नहीं है। और शुरू शुरू में जब तक हालात नॉर्मल नहीं हो जाते तब तक ये काम करना उसके लिए ज़रूरी था, तो उसने वो काम कर लिया, सीख लिया। आगे चल के उसने जॉब चेंज कर दी, एक टी शॉप में काम किया वेटर का। अब यहाँ पर उसने कस्टमर्स के साथ रिलेशन कैसे बनाते हैं ये सीखा, कैसे उनको खुश रखते हैं। वहाँ सबसे ज़्यादा टिप प्रेम को मिलती थी। वीडियो के लास्ट में जब आप ये सारे डॉट्स को कनेक्ट करोगे तो समझ पाओगे कि ये हो क्या रहा था। तो यहाँ प्रेम को कस्टमर्स ना ढूंढते थे कि वो लड़का कहाँ है, उसको बुलाओ, क्योंकि प्रेम कस्टमर्स को समझता था, जानने लगा था उनको कि
किसको क्या अच्छा लगता है, किसको क्या अच्छा नहीं लगता है। उन्हीं कस्टमर्स में से एक कस्टमर ने प्रेम को ऑफर दी कि हम लोग पार्टनरशिप में एक टी स्टॉल ओपन करते हैं। प्रेम ने हाँ कहा, बिजनेस की शुरुआत हो गई, धंधा चलने लगा। लेकिन जैसे जैसे पैसे आने लगे, उसके पार्टनर ने सोचा कि मैं प्रेम को पैसा क्यों दूं, तो उसने अपना मन बदल लिया और प्रेम को निकाल दिया, पार्टनरशिप तोड़ दी, उसकी जगह पर किसी को सैलरी बेस पर रख दिया। फिर से बड़ा झटका, बिजनेस शुरू होते ही पार्टनर ने धक्का मार दिया था, वापस जहां पर आए थे वहीं पर आ गए, रोड पे फिर से वही काम ढूंढने वाला सिस्टम। प्रेम ने सोचा कि तो क्या हो गया, यहां भी कुछ सीखा कि जब तुम तुम्हारे टैलेंट से किसी और का बिजनेस चला सकते हो तो खुद का बिजनेस क्यों नहीं चलेगा। थैंक्स लॉट टू दैट पार्टनर जिसने यकीन दिलाया कि मेरे में इतना दम तो है कि मैं बिजनेस चला सकता हूँ। उसके पास 1,000 रुपये थे उस वक्त सेविंग के, सोचा कि मैं सबसे बेस्ट क्या कर सकता हूँ। फिर क्या, उसने 1,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए, एक इडली डोसा का छोटा सा ठेला लगा दिया मुंबई के वाशी में। धीरे धीरे बिजनेस आगे बढ़ रहा था। प्रेम इतना अच्छा, इतना टेस्टी डोसा बनाता था कि लोग ढूंढते ढूंढते आते थे, लोग उसको जानने लगे थे, भीड़ होने लगी, पैसा आने लगा। लेकिन तभी म्यूनिसिपालिटी वालों ने परेशान करना शुरू कर दिया था। अब ज़रूरत थी एक फिक्स जगह की, एक रेस्टोरेंट की, जहाँ पर ये सारा झमेला ना हो। उन्होंने एक जगह रेंट पर ली, नाम दिया प्रेम गणपति साउथ इंडियन फास्ट फूड। बाद में इसे चेंज करके फिर डोसा प्लाजा कर दिया गया। अब उन्होंने सोचा कि कस्टमर इतना लाइक करते हैं मेरी रेसिपी को, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं उनको कुछ स्पेशल दूँ। सी, यहाँ पर धंधा अच्छे से चल रहा था, कोई ज़रूरत नहीं थी ये सब सोचने की। लेकिन उन्होंने सोचा कि और आगे क्या हो सकता है, डोसा के अंदर और क्या हो सकता है। अलग अलग एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया, अलग अलग कॉम्बिनेशन करना शुरू कर दिया। डोसा के अंदर वो पनीर, नूडल्स, मंचूरियन, चटनीज, अलग अलग बहुत एक्सपेरिमेंट किए। फिर 27 वेराइटी उन्होंने बनाई जिससे कोई एक बार खा ले तो वापस ढूंढते हुए आ जाए। अब ये भाई साहब उनकी वेराइटीज की वजह से फेमस होने लगे थे, बिजनेस और तेजी से चल पड़ा। फिर किसी ने कहा कि भाई यहाँ पर एक नया मॉल ओपन हुआ है सेंटर वन करके, अगर आप अपने बिजनेस को वहाँ पर लेके जाएंगे तो फायदा हो सकता है। उस वक्त पे प्रेम के लिए थोड़ा सा महंगा स्टेप था, लेकिन अब आगे बढ़ना था तो रिस्क लेना जरूरी था, और उन्होंने रिस्क लिया। वहाँ पर भी अपना मैजिक दिखा दिया, इनका नाम अब दूर दूर तक जाने लगा था। फ्रेंचाइज के लिए, चेन को आगे बढ़ाने के लिए अब कॉल आने लगे थे, लोग उनसे जुड़ना चाहते थे। धीरे धीरे करके टीम बड़ी होती गई, स्टाफ बड़ा होता गया, वैरायटीज बढ़ती गई, इनकम बढ़ती गई, बिजनेस बढ़ता गया। प्रेम जी ने कुकिंग के साथ साथ ब्रांडिंग के ऊपर भी उतना ही फोकस किया था, वेबसाइट, लोगो, एडवर्टाइज वगैरह। अब ऐसा वक्त आ गया था कि डोसा प्लाजा का टर्नओवर करोड़ों में पहुंचने लगा था। पहले 5 साल में उन्होंने 26 आउटलेट्स ओपन कर दिए थे, रिस्पॉन्स बहुत ही तगड़ा मिला था। अब बिजनेस को बढ़ता देख फिर इन्वेस्टर भी आते हैं। इंडिया में तो फैल गया था, आगे चल के बिजनेस इंडिया के बाहर भी शुरू हो गया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, अबू धाबी, दुबई, US, UK, कतार, आज तो डोसा प्लाजा पूरी दुनिया में है। और वो लड़का जिसके पास घर पर वापस जाने के भी पैसे नहीं थे, वो करोड़ों की कंपनी का ऑनर है, मालिक है, हजारों लोग जिसमें काम करते हैं, उतने लोगों का घर चलता है, लाखों कस्टमर्स जुड़े हुए हैं, नए जुड़ रहे हैं। अगर उस दिन वो लड़का वापिस चला जाता तो आज कहाँ पर होता, तो क्या से क्या हम इसके हानि से। मेहनत करते रहो, चलते रहो, जो लोग आज तुमको पागल कह रहे हैं वही लोग कल तुमको सर कहेंगे। आज जो लोग तुम्हारे आइडिया का मजाक उड़ाते हैं वही लोग एक दिन तुम्हारे आइडिया को सैल्यूट करेंगे। ये सब कुछ मुमकिन है लगन से। ये जो शब्द है ना लगन, वो किसी के भी सपने पूरे करने की ताकत रखता है। किस्मत के भरोसे पर मत बैठो। अगर आज भी तुम किस्मत के भरोसे पर बैठे हो तो तुम भी उन करोड़ों लोगों में से हो जो ये गलती कर रहे हैं। तो बहाने बनाना बंद करो, बहानों से खुद को बचाना बंद करो। पहले तो कुछ पल के लिए ये बहाने तुमको सुकून दे सकते हैं, खुश रख सकते हैं, लेकिन आगे चल के तुम्हारे किसी भी बहाने से निकल गए वक्त को वापिस नहीं ला पाओगे। क्या नहीं कर सकते इस पे फोकस मत करो, क्या कर सकते हो ये देखो। 99% लोगों का प्रॉब्लम ये है कि उनको यही दिखता है, यही याद रहता है कि वो क्या नहीं कर सकते हैं। 1% लोग ये देखते हैं कि वो क्या कर सकते हैं। उस 1% पे आने की कोशिश करो। कीप ग्रोइंग, कीप गोइंग। ओके देन,
आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला होगा, मोटिवेशन मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अगर डायरेक्ट कुछ बात करना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप ये बायोग्राफीज़ के साथ साथ मोटिवेशनल स्टोरीज, फिक्शनल स्टोरीज भी सुनना चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, मुझे मैसेज करके भी बता सकते हो। अगर आप ये सारे वीडियोस को फेसबुक पर देखना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाने से पहले वक्त है शाउट आउट्स का। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सवाल पूछा था कि जस्टिन बीबर के फर्स्ट एल्बम का नाम क्या है। इसका सही जवाब है माई वर्ल्ड 2.0। टॉप 3 में जिन्होंने आंसर दिया उनका नाम है सुनील भट्ट, मार्क्स, विवेक सिंह एंड DTM। पढ़ना, आप तीनों को हमारी तरफ से 10-10 पॉइंट मिलते हैं। आज का सवाल बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और इसका जवाब सबको पता होना ही चाहिए। सवाल ये है कि कोरोना से बचने के लिए कोई भी दो प्रिकॉशंस आपको कमेंट करने हैं, जल्दी से कमेंट करो। और एक पर्सनल रिक्वेस्ट कि इस चीज़ को हल्के में मत लो। इतना कुछ होने के बाद भी कुछ लोग इसको हल्के में लेते हैं कि कुछ नहीं, मत करो। पूरी दुनिया इसके सामने लड़ रही है, तो अपनी गवर्नमेंट को, लोगों को, दुनिया को थोड़ा सा कोऑपरेट करो। बहुत सारी बातें आपको पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उसको फॉलो कीजिए। क्योंकि बहुत जगह पर ये देखा है कि लोग अभी भी बहुत हल्के में लेते हैं कि क्या हो जाएगा। उस चक्कर में चाइना में, खास करके इटली में क्या हुआ हमको पता है। जो गलती वहाँ पर हुई है वो हमको दोहरानी नहीं चाहिए, तो प्लीज़ कोऑपरेट करो गवर्नमेंट के साथ। वो जो भी कर रहे हैं हमारे अच्छे के लिए कर रहे हैं, तो कुछ दिन अगर आप बाहर नहीं निकलोगे, जो ध्यान रखने के लिए बोला है उसका ध्यान रखोगे, तो उसमें हमारा भी फ़ायदा है, आपके बच्चों का भी फ़ायदा है। तो इस बात का ध्यान रखिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। बाय, टेक केयर एंड सी।